हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कैमरा लेंसेज के बारे में। तो कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि हम लोग आपको और भी डिटेल में उसके बारे में बता पाएं। तो गाइस, जैसे मालूम है कि हम लोग वही यूज़र लोग को टारगेट करते हैं जो कि अभी कैमरा न्यू खरीदने वाले हैं या सीख रहे हैं फोटोग्राफी, तो इसलिए उनको हेल्प हो फोटोग्राफी रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में, इसलिए हम लोग ये चैनल चला रहे हैं। तो गाइज, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि हमारा चैनल ग्रो कर पाए। तो गाइज, आज जो टॉपिक में बात करने वाले हैं वो है गाइज ये यूवी फिल्टर के बारे में। गाइज, जैसे ये दिखता है, छोटा सा यूवी फिल्टर रहता है हम लोग का कैमरा के सामने, देखिए गाइज। तो गाइज, इसका पर्पज़ क्या है, हम लोग क्यों लगाते हैं यूवी फिल्टर लेंस के सामने? तो गाइज, जैसे आपको मालूम है कि ये यूवी फिल्टर यूवी रेस को गार्ड करता है। तो गाइज, क्या होता है, जब हम लोग फोटो लेते हैं आउटडोर में, तो यूवी रेस होता है ना, वो अंदर जाके तो कैमरा का सेंसर में लगता है, तो उससे फोटो का क्वालिटी में थोड़ा प्रॉब्लम आता है। तो इसलिए हम लोग को यूवी रेस लगाना पड़ता है, ताकि फोटोग्राफी जब हम लोग ले रहे हैं, ताकि उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हम जब भी प्रोफेशनल काम करते हैं ना, तो हम लोग को चाहिए होता है कि जो क्वालिटी हम लोग दें वो क्वालिटी कस्टमर को एकदम टू द पॉइंट मिले और अच्छा मिले। तो अगर उसमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए हम लोग पहले से प्रिवेंशन लेना पड़ता है। तो इसीलिए यूवी रेज का बचाने के लिए फ्रॉम द सेंसर ये यूवी फिल्टर हम लोग को काम में आता है। तो गाइज, इसलिए मैं बोलूँगा, इसका ज़्यादा दाम भी नहीं है, 600-800 रुपया दाम मिलेगा। ये देखिए, मैं कोडैक का लगाया हूँ, पतला सा एकदम है, ये खुल रहा नहीं है, ठीक है, मैं खुलता तो मैं दिखाता, एकदम पतला सा है, तो लेंस के सामने ये लग जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, तो लेकिन इसका बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि एक तो बेनिफिट हो गया यूवी रेस को गार्ड कर रहा है आपके सेंसर से, और नेक्स्ट हो गया कि जैसे आपका लेंस का जो ग्लास है उसको प्रोटेक्ट करता है। तो जैसे आप शूट कर रहे हैं, तो अगर अचानक से अगर कुछ भी लगेगा ना, तो फिर ये यूवी फिल्टर में अटक जाएगा। जैसे किसी का हाथ कच्चा लग गया या किसी का घड़ी लग गया, तो उससे बच जाएगा आपका लेंस। नहीं तो लेंस का आपको पता ही है, काफ़ी कॉस्टली होता है लेंस का रिपेयर, मिनिमम 1000-2000 रुपया कॉस्ट पड़ जाता है लेंस को रिपेयर करने में। तो वो आपको अवॉइड करेंगे, मतलब अगर ये आपका लगा रहेगा यूवी फिल्टर तो काफ़ी अच्छा ये चीज़ है। तो गाइज, आज इतना ही आपको बताता हूँ यूवी फिल्टर के बारे में। तो और भी अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, ताकि हम रेगुलर ऐसा वीडियो आपके लिए बना पाएँ। तो आज के लिए गाइज, थैंक यू, बाय।